हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट की दो एग्जाम का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, क्या इसमें स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रैंक कैसे तैयार की जाएगी, इन दोनों एग्जाम्स में कौन से स्टूडेंट को फायदा होगा और कौन से स्टूडेंट को नुकसान होगा, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, नीट की एक एग्जाम 5 मई 2019 को कंडक्ट हुई थी और उड़ीसा स्टेट की एग्जाम आज 20 मई 2019 को 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में है। इन दोनों एग्जाम का रिजल्ट परसेंटाइल बेस पर तैयार किया जाएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे कि दो दिन एग्जाम जो नीट की कंडक्ट हो रही है उसमें रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो परसेंटाइल सिस्टम से रिजल्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट में मार्क्स के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की पोजीशन तैयार की जाती है और फिर जिस स्टूडेंट का परसेंटाइल निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मूले में जिस स्टूडेंट का परसेंटाइल निकालना है उसकी शिफ्ट की पोजीशन को टोटल स्टूडेंट इन दैट शिफ्ट से डिवाइड कर दिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस स्टूडेंट की परसेंटाइल निकल जाती है। इस प्रकार से शिफ्ट वाइज हर एक स्टूडेंट की परसेंटाइल निकाल ली जाती है और परसेंटाइल के मेरिट के अनुसार इसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। ये तो सिर्फ दो ही शिफ्ट हैं, इस प्रकार से दो या दो से ज़्यादा शिफ्ट की परसेंटाइल निकाल के भी रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। अभी परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है इसका डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप चोपड़ा एजुकेशन चैनल सर्च करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि एक शिफ्ट में इजी पेपर व दूसरी शिफ्ट में हार्ड पेपर से AIR पर कोई इफेक्ट होता है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसमें AIR पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस शिफ्ट में पेपर इजी होगा मार्क्स ज़्यादा गेन होंगे, बट उसकी शिफ्ट की पोजिशन को देख कर परसेंटाइल निकाली जाएगी, जिससे हार्ड व ईजी पेपर का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि शिफ्ट में इजी व हार्ड पेपर आने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नीट की दो एग्जाम होने से किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही किसी स्टूडेंट को फायदा होगा, रिजल्ट सभी के लिए इक्वल तैयार होगा। तो दोस्तों, मेरे पास इस प्रकार से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ये दो एग्जाम होने से किसी स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है क्या। तो मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक व शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए आगे भविष्य में लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।